आप सबसे पहले यहाँ पे जो सिक्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करने बोला है। सबसे फर्स्ट एक ट्रायंगल एबीसी है, दिया हो गया ए बी एंड यहाँ पे रहेगा सी, एंड यहाँ पे क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। इसका मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंड ये दोनों एंगल कुछ इक्वल दिया है क्या। हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल है। कैसे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी मतलब क्या रहेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। ये जो एंगल रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा, ये एंगल भी क्या रहेगा 90 डिग्री। ओके, अब जरा ध्यान दो। सबसे पहले आप क्या करो, ये दोनों ट्रायंगल्स को आप सेपरेट करो। यहां पे ए बी सी दिया है, दिस इज 90 डिग्री। सेम वे ये ट्रायंगल को आप सेपरेट करो, यहां पे ये भी कितना आएगा 90 डिग्री, ये आएगा ए। एक सेकेंड है, यहाँ पे कुछ दिया है क्या उन्होंने। ओके, सी नहीं आएगा, यहाँ पे डी दे देना, यहाँ पे डी दे। सेम वे यहाँ पे ये डी आएगा और ये सी आएगा। ओके, अब जो जो दिया हुआ है वो सबसे पहले आप प्रूव करो, दैट इज एंगल ए इक्वल, सॉरी ए मत लिखना, यहाँ पे बी ए डी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल सी ए डी के साथ। यहाँ पे आप लिखोगे ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। सबसे पहले ये दिया, नेक्स्ट आपको दिया है एंगल ए डी बी ये इक्वल टू है एंगल ए डी सी के साथ, दोनों कितना है 90 डिग्री है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो साइड है एडी, ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो एडी इक्वल टू एडी यहां पे आप लिखोगे कॉमन साइड। अब टेस्ट का नाम कैसे लिखोगे, यहां पे ये एंगल साइड एंड यहां पे वापस एंगल, तो ए से टेस्ट आएगा। तो ये ट्रायंगल का नाम आपको लिखना है एंगल। देखो ए जो है ये ऑफकोर्स दूसरे ट्रायंगल के भी ए के साथ सिमिलर है, नीचे का जो डी है ये दूसरे ट्रायंगल के डी के साथ सिमिलर है। पहले ट्रायंगल का बी बचा, दूसरे ट्रायंगल का सी बचा, टेस्ट का नाम क्या आएगा, ए एस ए टेस्ट। अब यहां पे आपको प्रूव क्या करना था कि ये ट्रायंगल क्या आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, आइदर दो साइड्स इसके इक्वल रहेंगे या दो एंगल इसके इक्वल रहेंगे, तो आप कोई भी एक ले सकते हो। चलो मैं इसके करस्पॉन्डिंग सी ए सी टी यूज करता हूं, तो बी जो है ये आपको सी के साथ इक्वल है क्योंकि सबसे एंड में है, तो आप एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिखोगे। इसका रीजन लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, देयरफॉर आप बोल सकते हो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अभी सेवन क्वेश्चन में सबसे पहली चीज यहां पे आपको प्रूव क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो सबसे फर्स्ट पार्ट यहां पे पी क्यू और आर दिया है। पहले जो जो चीजें आपको दिख रहे हैं वो आप बना लेना। यहाँ पे पी क्यू और ये जो पी आर है ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ इक्वल, इसका मतलब एंगल क्यू एंड ये जो एंगल आर रहेगा ये क्या रहेगा एक दूसरे के साथ इक्वल। कैसे, क्योंकि ये क्या बन रहा है, यू कैन से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले चीज ये तो क्लियरली दिख रहा है, दो साइड इक्वल, इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। अब जरा ध्यान दो, ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यहां पे आप यूज करोगे रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब ये क्यों मुझे यूज करना पड़ा,
क्योंकि यहां पे आपको एक साइड दिया है पी एस, दूसरा आपको दिया है पी क्यू, तो मतलब एक तो आपको ये एंगल चाहिए, दूसरा आपको ये एंगल चाहिए, इसके बिना आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। अब ध्यान दो कैसे कैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं जो ट्रायंगल चाहिए वो मैं पहले बना रहा हूं, दैट इज मुझे चाहिए यहाँ पे पी क्यू आर। अब ये जो पी क्यू आर है इसमें ये दो साइड क्या है इक्वल, तो यहां पे आप क्या लिखोगे पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, देयरफॉर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, ब्रैकेट में आप डालोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब मतलब ये इसको हम लोग एक्स लेते हैं, ये एंगल को हम लोग क्या लेंगे एक्स लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान देना, अब मैं दूसरे ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं। अब यहां पे ये वाला पार्ट, अब ध्यान देना इन ट्रायंगल आप ले सकते हो पी आर एस। अब ये जो पी आर एस में है एंगल पी आर एस, सॉरी ये जो बड़ा एंगल है ये कौन से दो एंगल की इक्वल रहेगा, एक तो ये एंगल और ये एंगल, इसको आप क्या बोलोगे रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्या बोला था मैंने, कैसे समझना है आपको, लीनियर पेयर को छोड़ दो बाकी दोनों एंगल्स जो रहेंगे वो उसके क्या बनेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहां पे ये इक्वल टू रहेगा एंगल आर पी क्यू, दैट इज ये वाला एंगल आर पी क्यू, एंड एंगल क्यू के साथ इक्वल रहेगा। इसका मतलब क्या, यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि एंगल पी आर एस जो है ये ग्रेटर देन है एंगल क्यू से, एंगल पी आर एस जो है, अब देखो ये जो Q है ये किसके बराबर था, एंगल पी आर क्यू के बराबर था ना, तो यहां पे आप एंगल Q के बदले क्या लिख सकते हो एंगल पी आर क्यू, इसको आप लिख सकते हो वन लिखना, यहां पे आप रीजन लिखोगे फ्रॉम वन। ओके, इससे हमने एक चीज प्रूव किया क्या कि पी आर एस जो है ये पी आर क्यू से बड़ा है, तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो पी आर एस के ऑपोजिट में कौन है पी एस, पी आर क्यू के ऑपोजिट में कौन है पी क्यू। ये भी प्रूव किया एंड इसका रीजन मैं जरा यहां पे लिखता हूं, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर। आई होप ये पार्ट क्लियर हो, डाउट है तो पूछो, थोड़ा ध्यान देना। ये सम को आप कैसे प्रोसीड करोगे जरा ध्यान दो, सबसे पहले आपको प्रूफ में क्या पूछा है AD को BE के साथ इक्वल, दैट मीन्स आई रिक्वायर, मैं इसको जरा ब्लू कलर से बता रहा हूं, दैट मीन्स आई रिक्वायर AD एंड आई रिक्वायर BE ओवर हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये एंगल इक्वल दिया है, ये एंगल इक्वल दिया है, उसके साथ ही साथ आपको ये AE और आपको यहां पे DD दिया है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पे आपको एक तो ये ट्रायंगल यूज करना है सबसे पहला, दूसरा आपको यूज करना है ये ऊपर का ट्रायंगल। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेटली बना रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो, दैट इज ए टी बी, ये आपको 90 डिग्री दिया है, ये इक्वल है एक दूसरे ट्रायंगल के साथ, चलो ये भी बना लेता हूं, यहां पे इट विल बी ए ई एंड यहां पे दिया है बी, दिस इज गिवन एज 90 डिग्री, बी डी जो है ये ए ई के बराबर दिया, तो जो भी गिवन है वो सबसे पहले लिखना, इन ट्राइंगल बी ए डी एंड यहां पे आएगा एक सेकेंड है बी ए डी, हाँ यहां पे आएगा ट्राइंगल बी ए ई,
सबसे पहले एंगल बी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ई ए, यहां पे लिखोगे गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है. नेक्स्ट आपको क्या दिया है, बी डी जो है ये किसके बराबर है, ए ई के बराबर, ये भी क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब ये जो ए बी है दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है, तो ए बी इक्वल टू ए बी आएगा. इसका रीजन आप क्या लिखोगे, कॉमन साइड लिखोगे, तो हो गया ना. अब यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का ऑपोजिट, दैट इज हाइपोटेन्यूज, एंड वन साइड इज इक्वल, तो आप यहां पे ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, डी किसके बराबर है, ई के बराबर. सबसे पहले नेक्स्ट डी बी ये किसके बराबर है, ई ए के बराबर है. बचा कौन सा साइड, यहां पे ए, यहां पे कौन सा साइड बचा, बी. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. टेस्ट का नाम रहेगा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, नेक्स्ट आपको क्या प्रूव करना था, ए डी, तो आप लिखो यहां पे ए डी ये किसके बराबर रहेगा, बी ई के बराबर. यहां पे आप बी ई लिख सकते हो. ओके, इसका आप रीजन साइड में लिखना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव लिखना. एक्सरसाइज 3.5. अब यहां पे सबसे पहले क्या दिया है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो है ये सिमिलर टू है ट्रायंगल एल एम एन के साथ, सिमिलैरिटी दिया है. फर्स्ट हमें दिया है कौन कौन से एंगल सिमिलर है. क्लियरली आपको दिख रहा है एक्स जो है दैट इज एंगल एक्स, ये इक्वल टू है एंगल एल के साथ. वैसे ए जो है सॉरी वाई जो है ये एम के साथ सिमिलर है. कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेकेंड अल्फाबेट से. वैसे थर्ड अल्फाबेट क्या रहेगा, एंगल जेड जो है ये एंगल एन के बराबर है. इसका रीजन आप क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल. अब सिमिलरली आपको इनके रेशियोज भी लिखने साइड्स के, तो साइड्स का रेशियो आप कैसे लिखोगे, एक्स वाई अपॉन एल एम ये इक्वल टू रहेगा वाई जेड अपॉन एम एन. और वैसे आप लिखोगे एक्स जेड अपॉन एल एन लिखोगे. अब इसका भी रीजन क्या लिखोगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल. चलो सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूं. अब सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या दिया है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड दिया है. ये बोला गया है कि ये सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ. आपको साइड्स का दिया है वैल्यूज, तो यहां पे एक्स वाई जो है इसके साथ कौन आएगा, अपॉन पी क्यू आएगा. वैसे वाई जेड जो है इसके साथ क्या आएगा, इट विल बी क्यू आर. वैसे एक्स जेड जो है ये किसके बराबर आएगा, पी आर के बराबर. अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअली लेंथ ढूंढना है. सबसे पहले आप क्या करो, एक्स वाई आपको दिया है 4, पी क्यू आपको दिया है 8, इक्वल टू वाई जेड आपको दिया है 6, आपको ढूंढना है क्यू आर. कैसे आप ढूंढोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्यू आर का वैल्यू मिलेगा. आप चाहे तो ढूंढ सकते हो क्यू आर का वैल्यू कितना आएगा, 12. वैसे आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई अपॉन पी क्यू ये इक्वल टू एक्स जेड अपॉन पी आर ले सकते हो. सेम एक्स वाई के बदले 4, पी क्यू के बदले 8, एक्स जेड के बदले यहां पे आएगा 5, पी आर के बदले यहां पे पता नहीं है लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10. एक पार्ट में आपके लिए करता हूं पी आर वाला पार्ट.
पीआर को आप ऊपर लेके जाओ, पाई को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड किससे करो, 4 से, 4 टू जार 8 आएगा, पाई इंटू 2 कितना होएगा,